गुफा के अंदर से हम चलते हैं, तो देखते हैं क्या है अंदर में। और वो वाला जो मंदिर है वो मेन जतमी माँ का मंदिर है, इसमें बढ़िया सा ये कलाकारी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो हेलो एवरीबॉडी, सब वेलकम टू द चैनल ब्लॉगर बॉय दीपक। और आज हम लोग जा रहे हैं जतमई घटा रानी, जो कि हमारे गांव से कितना किलोमीटर होगा भाई? 200 किलोमीटर, 200 मान के चलो, इधर उधर घूमते घामते में। तो सबसे पहले हम लोग गिदकेरा गए, गिदकेरा से महासमुंद, महासमुंद से गरियाबंद है ना, और गरियाबंद से फिर जतमई घटा रानी। तो रास्ते में बढ़िया मिलते हैं, अभी हम लोग थोड़ा केला वेला खा रहे हैं, सुबह से बिना खाए बिना ब्रश के निकले हैं, तो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं बढ़िया, उसके बाद मैं ब्रश किया हूँ ना, ये भी ब्रश नहीं किया। अभी हम लोग जब से निकले हैं तो गाड़ी में मैंने कुछ कुछ शॉट लिए है, उसको बढ़िया एंजॉय कर लो आने के साथ, और फिर कहीं पे रुकेंगे बढ़िया, तो आपसे मिलेंगे नाश्ता वास्ता करने के टाइम या नहाने के टाइम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो दोस्तों अभी हम लोग नवा डी में रुक चुके हैं नहाने के लिए, और सुबह से क्योंकि नहा वहाँ से ब्रश वश नहीं किए थे, और हम लोग दोनों रेनकोट पकड़े थे, और इतना धूप हो गया देखो इतना जल रहा है। आज हम लोग जतमई घटा रानी जा रहे हैं, और जतमई घटा रानी जाने से पहले जितने भी हम लोग सीन वगैरह देख रहे हैं ना, कहीं पे नदी, कहीं पे पहाड़, कहीं पे जंगल वगैरह, तो इतना मज़ा आ रहा नहीं हम लोग को क्या बताऊँ। मतलब जाने से पहले जैसे जतमई घटा रानी हम लोग पहुँच जाएंगे, तो उसके पहले भी हम लोग इतना अच्छा अच्छा सीन देख लिए हैं कि पूरा वर्ष हो गया हम लोग का यहाँ आने का। और अभी फ़िलहाल हम लोग नहाने के लिए रुके हैं, वहाँ पास नहाएंगे वहाँ पे, तो थोड़ा वेट करते हैं और घूमते इधर उधर और नहाते हैं, और नहाने के बाद सीधे फिर चलेंगे। तकरीबन यहाँ से वही 20-40 किलोमीटर बचा है, फिर वही मिलेंगे यार सीधे। सो फाइनली हम लोग नहा लिए बढ़िया से, और चड्डी अंडरवेयर धोना बचा है, तो फाइनली हम लोग अभी नहा लिए हैं और अभी निकलेंगे 40-50 किलोमीटर, फिर फाइनली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और क्या बोल रहा था, अभी जो आपने सुना जो वॉइस ओवर हो रहा था, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी से है, तो यूज़ कर सकते हो आप भी यार। तो फाइनली हम लोग जतमई आ चुके हैं, तकरीबन जो ये जीजा जी का घर है, 500 लेने वाला है, 500 लेने वाला है घुमाने के, सुना जो जीजा जी का घर है उनसे ये इसका एंट्रेंस है, जो कि आप देख सकते हो शेर के मुंह टाइप का कुछ, और ये चांद में दाग आ गया यार कहाँ से। तो यहाँ पे सब चप्पल वगैरह सब यहाँ पे निकालते हैं, उसके बाद यहाँ से एंटर लेंगे बढ़िया। तो फाइनली वी आर एंटरिंग जतमई टेम्पल, और झरने का आवाज़ मुझे अभी से आने लग गया, झरने का आवाज़ आपको भी आ रहा होगा, और अगर यहाँ पे शोर शराबा हुआ तो आवाज़ के लिए सॉरी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप लोगों को झरना दिखाता हूँ मैं, और ये मेरे साथ जीजा जी और ये मेरा दोस्त, तो चलिए फिर यार झरना देखो बढ़िया, आप इंजॉय करो। घटा रानी का मंदिर बाहर से, तो ऐसा कुछ एक बार राउंड लगाते हैं बढ़िया, ये कुछ ऐसा राउंड टाइप का है मंदिर, और इसमें बढ़िया सा ये कलाकारी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और आवाज़ अगर साफ नहीं आ रहा होगा उसके लिए बहुत सॉरी दिल से, क्योंकि यहाँ झरने का आवाज़ जो है बहुत तेज़ है। तो अभी मैंने जो दिखाया वो मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर जो है उधर नीचे में है उधर, तो वहाँ जाएंगे तो आपको बढ़िया सा मेन मंदिर दिखाऊंगा जिसमें जतमई माँ रहती है। और फिलहाल ये गुफा है कुछ, तो गुफा के अंदर चलो चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है अंदर में। तो मेन जो गुफा का एनवायरनमेंट है ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे काली माँ की एक स्टैचू मतलब मूर्ति है, और दुर्गा माँ का एक, दुर्गा माँ जी का एक मूर्ति यहाँ पे है, और हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ यहाँ से चलिएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ये यहाँ इन लोग अपने में बिजी है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसा कुछ एग्जिट है, और वहाँ से एंटर है, ऐसा कुछ है मंदिर। आप उधर से आते हो, उधर से ऐसा आते हो, फिर यहाँ दर्शन करोगे, फिर ऐसा इसका राउंड लगा के यहाँ से,
फिर उधर से वो ब्रिज होते हुए आप उधर का मंदिर जाते हो, और उधर के मंदिर से फिर ऐसे जाते हो, और वो वाला जो मंदिर है वो मेन जतमई माँ का मंदिर है। अभी हम लोग मेन मंदिर में एंटर कर चुके हैं, और मंदिर जो है आप देख लीजिए क्लोजअप शॉट में, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ बोलूँगा तो आवाज़ वैसे भी सुनाई नहीं देगा झरना वरना कारण, तो क्लोजअप शॉट एंजॉय कीजिए यार। ओके सो ये है जतमई का सबसे लास्ट डेस्टिनेशन जो कि हनुमान मंदिर। यहाँ आप सबसे लास्ट में आओगे, स्टार्टिंग आप सबसे जो वाइट वाला मंदिर दिख रहा है वहाँ से करोगे, वहाँ से घूमने के बाद वहाँ गुफा के बाद फिर यहाँ से पुल होते हुए आप मेन मंदिर में जाओगे जो कि जतमई माता का है। उसके बाद उधर से आप इधर होते हुए आओगे और ये फिर हनुमान मंदिर जो आपको दिखेगा। हनुमान मंदिर घूमने के बाद आप जाओगे घटा रानी। तो जतमई का हम लोग का जो टूर है वो कम्प्लीट हो गया है यहाँ का। अब यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे घटा रानी। घटा रानी यहाँ से आई थिंक 8 से 10 किलोमीटर हो गया यार मेरे ख्याल से, तो घटा रानी जाएंगे। यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया यार। सो दोस्तों हम लोगों ने पूरा जतमई माता घूम लिया, कुलकुल माता का दर्शन कर लिया घर आना भाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। अच्छा नेक्स्ट हम लोग घटा रानी जाएंगे। बाय बाय।